अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपने सब खैरियत से हैं? ठीक है, वेलकम टू नीलो किचन। नीलो किचन में आज बन रहे हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे सर्दियों की डिश है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन ए है, पूरे फुल भरपूर है। आधा किलो मूली और ना क्या बोलते हैं, इसमें 3 हरी मिर्चें डाली है, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कुटी मिर्चें साबुत और नमक हसबे जाएगा अपने हिसाब से। साबुत क्या बोलते हैं, हरा धनिया 2-3 गड्डी, जैसे 2-3 पत्तियाँ नहीं होती ये इस तरह, और पुदीने की 2-3 इस तरह, ये ले लेना आधा, सही है अपने हिसाब से। बड़े मज़े की बनती है। अभी मैं आपको तुरप के दिखाऊंगी, गाजर तुरपूंगी और फिर बताऊंगी, बिल्कुल यूनिक और न्यू डिश है, स्टाइल है, ठीक है, ओके। अभी पत्ते वाली मूली भी है, आधा किलो तकरीबन ये मूली है, मैंने आपको दिखाई थी और एक ये घर में रखी थी, मैंने ये अभी मंगवाई है तो बता देती हूँ। और ये मसाले जाते हैं, अब मैं बनाने जा रही हूँ, ठीक है। अभी तुरप रही है उसको, और इसकी जो मूली के पत्ते, इसकी मैं सब्ज़ी भाजी बनाना सिखाऊंगी, इसका साग मूली के पत्तों के और मूली का, फिर बाद में बताऊँगी। ये पत्ते भी ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। देखिए मूली के पत्तों में बहुत पानी होता है, मूली के जो पत्ते बड़े, मूली में बहुत पानी होता है, इसको निचोड़ के पानी को और फिर डालेंगे मूली के पराठे बनेंगे। देख रहे फुल पानी भरा हुआ, अब इसके इसके पराठे बनेंगे। ये देखिए, देखिए धनिया डालेंगे और सारे मसाले डालेंगे, देखो ये डाल रहे, और साबुत धनिया वो धनिया क्रश करके डालते हैं, क्रश करते माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार पराठे बनते आप खाएंगे और खाते रहेंगे। और ये बिल्कुल जिगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, लाजमी सर्दियों का आइटम है। इंजॉय करें मूली के पराठे खा के, बहुत मज़ा आता है इसको खाते जाओ। गैस नहीं होती, जब भी हम कम हो गया, लेकिन आज गैस सही आ रही है तो हमने बोला गैस का सब फ़ायदा उठा लें, मूली के पराठे बना लें, आप लोग खाएँगे खाते रह जाएंगे, मुँह में पानी आएगा, इतने मज़ेदार होते हैं ये, लजीज होते हैं कि पसंद, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के। आप धनिया पुदीना स्पाइसी अगर कम करना चाहते हैं अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, मैं लेकिन थोड़े से ये तीखे पराठे खाने को टेस्ट बहुत अच्छा है। अब मैं बना रही हूँ पराठे, चल डिश चीज़ तो मैं नहीं आ रही। ये देखिए मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह गोल करें, गोल कर लिए, अभी पेड़े यहाँ रख लिए, अब बना रही हूँ चूल्हा, तवा जला दिए, तवा गर्म हो रहा है, हो गया वीआईपी किचन का पराठा, इतना मज़ेदार होता है, सर्दियों की सौगात है, मूली है, गाजर, ये सब खाना चाहिए बहुत। आटे सफ़ेद आटे में थोड़ा सा नमक डालें और गर्म पानी से गूने, ये सफ़ेद आटे से गूना हुआ है आटा, और थोड़ा सा ये बेलें, फिर उसके बाद इसके अंदर भरेंगे बताएंगे। दूसरा बनाएंगे, सफ़ेद आटा होता है सख्त है ना, लेकिन बनते हैं बहुत मज़े के, सफ़ेद आटे में ही बनाना। बहुत मज़ेदार होते हैं, खाते जाए चटनी के साथ, आप लोग 1 या 3-4 पराठे खा लेंगे, ऐसा पराठे बनते हैं ये। देखिए अब इसको हम इसके ऊपर डालेंगे, बहुत इजी रेसिपी है, इसी में बिल्कुल पक जाएंगे,
बहुत मज़ेदार और इजी आसान रेसिपी। मूली के पराठे लोग खाते नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जायके वाले। थोड़ा सा ये देखिए पानी निकलता है, इसके अंदर डालेंगे तो थोड़ा पानी निकलेगा, लेकिन कंट्रोल यही करना है, इसलिए मूली पानी छोड़ती है, इसमें फुल पानी भरा होता है। आराम आराम से बिल्कुल कंट्रोल करके बनाना। साथ साथ बनाते जा रही हूँ, हो रहा है बन रहा है माशाल्लाह, बड़े मज़ेदार होते हैं मूली के पराठे। ये अपने हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना तो पराठे में कलर आ जाता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, इतना अच्छा लगता है ये। फिर इसको पलटेंगे, बहुत मज़ेदार पराठा है। माशाल्लाह पराठा रेडी है, मेरी का पराठा चटनी के साथ आए बिल्कुल बहुत मज़ेदार। ये देखिए व्यूअर्स, मूली का पराठा तैयार है, चटनी के साथ खाएं बहुत मज़ेदार है। इसको खोल के भी दिखाऊं, ये देखिए हाँ गर्म हो रहा है, तो ये देखिए बहुत अच्छा है, आपको खोल के देखते हैं। ये देखिए खुशबू आ रही है। चले अच्छा नहीं भी बस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा।